प्रदेश की निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर ने आवाज उठाई है। ताजा मामले में हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले इंजीनियरिंग छात्र की सोलन में आत्महत्या किए जाने पर संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने कड़ी निंदा की और प्रदेश सरकार से निजी कॉलेजों पर नकेल कसने की बात कही। साथ ही संगठन ने सरकार से टास्क फोर्स गठित करने की भी मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। संगठन ने आगामी दिनों में हमीरपुर में सीएम के दौरे के दौरान मुलाकात करके मामले पर कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही। संगठन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि यह विषय बहुत ही संवेदनशील है कि इंजीनियरिंग छात्र आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि मानसिक तनाव के चलते ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगामी दिनों में हमीरपुर दौरे पर आ रहे हैं और उस समय भी मुलाकात करके बात सामने रखी जाएगी। साथ ही सोलन जिला के उपायुक्त को भी पत्र प्रेषित किया जा रहा है। हमने एक संवेदनशील मामला जो अभी एक निजी विश्वविद्यालय का सामने आया है जिसमें एक छात्र द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, हम उस आत्महत्या को जो है वो आत्महत्या नहीं मानते। हम मानते हैं कि वो जो एक मैनेजमेंट के द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो स्ट्रेस दिया जा रहा है बच्चों को, उनको डिटेन कर दिया जाता है, बिना किसी कारण के डिटेन किया जाता है, बिना किसी कारण के उनको पेनल्टीज डाली जाती है। इस तरह की जो प्रैक्टिस निजी विश्वविद्यालयों द्वारा, निजी कॉलेजों द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है, तो उसके बारे में हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष जो हैं पीआईआरसी के चेयरमैन और सदस्य बनाए जाएं और उसमें प्रत्येक जिला के एडीएम जो है उसका सदस्य और कम से कम एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी जो है या डीएसपी स्तर का अधिकारी उसका सदस्य हो। वो टास्क फोर्स जो है वो हर प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालयों में जाकर इस बात की जांच करें कि बच्चों को क्यों डिटेन किया जाता है, किस बात के लिए उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए जो है वो मजबूर हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा मामला तो अभी हमारे सामने आया है, लेकिन ये देखा जाए कि एक छोटा सा स्कूल भी बच्चों के स्कूल में ना जाने पर उनके पेरेंट्स को जो है सूचित करता है। तो इतने जो विश्वविद्यालय हैं जो साल की 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख 15 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस ले रहे हैं, वो पेरेंट्स तक को ये सूचित नहीं कर रहे हैं कि बच्चा उनका डिटेन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जाए और जिस प्रकार से ये मामला आया है तो इस मामले को लेकर टास्क फोर्स गठित की जाए ताकि भविष्य में इस तरह का कोई मामला सामने ना आए और बच्चों को स्ट्रेस फ्री होकर जो है अपना भविष्य संवारें, अपनी शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, हम लोग जो हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को, पीआईआरसी के चेयरमैन को और संबंधित जो जिलाधीश हैं जहां पे ये मामला हुआ है, हम उनको तो पत्र लिख ही रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमीरपुर दौरे पे आएंगे तो हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी पंकज भारती, युद्धवीर पठानिया, मनोहर लाल कानगो, जसवीर कुमार भी मौजूद रहे।